सूर्य वंशियों की माता छोटी मम्मी है या योगिनी माँ? छोटी माँ देवताओं की माँ है या जो सूर्यवंशी कहे जाते हैं सूर्य के वंश वाले उन सूर्यवंशियों की माँ है? सूर्य कौन है? धरती माता कौन है? धरणी कौन है? सूर्य कौन है? चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा चंद्रमा है, धरणी जगदम्बा है, सागर है। धरणी से लगा रहने वाला सागर है, धरणी से दूर है या धरणी के साथ है? धरणी के साथ है सागर, जो सागर द्वापर युग से सात भागों में बट जाता है। बट जाता है या नहीं? जब सागर से अलग अलग धर्म खंड ऊपर आते हैं तो कितने भागों में बट जाता है सागर? था एक ही सागर लेकिन फिर सात भागों में बट जाता है। तो अब बताओ सागर कौन है, सूर्य कौन है, चंद्रमा कौन है, धरणी कौन है और सितारे नंबरवार कौन है? है? शिव बाबा ज्ञान सूर्य। अरे कोई आत्माओं की बात है या कोई दूसरी बात है? आत्माओं के आत्माओं ने जिन्होंने पार्ट बजाए हैं उन पार्टधारियों की बात है। काम के आधार पर नाम है तो सूर्य कौन है? है शिव, शिव बाबा है सूर्य। धरणी है जगदम्बा और सागर है प्रजापिता और चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा और सितारे हैं नंबरवार आत्माएं। तो समाधान हुआ क्या? है? क्या प्रश्न पूछा था? सूर्यवंशी वंश जो है वो आत्माओं का होता है या देह धारण करते हैं तब वंश होता है? तो शिव सूर्य ने जब देह धारण की उस समय सूर्य वंश तैयार हुआ। अभी भी सूर्यवंशी बच्चे आगे जाने वाले हैं और वंशों के मुकाबले इस मनुष्य सृष्टि में जो भी वंश हैं मानवीय वंश उनके बीच सूर्यवंशी
आगे जाने वाले हैं, एडवांस में जाने वाले हैं या पीछे रहने वाले हैं? वो भी नंबरवार हैं। एक जैसे बीज तो नहीं है। तो कहें जो पूरे 84 जन्म लेते हैं वो कौन से वंश के हैं? वो सूर्यवंशी हैं। और बाबा मुरली ने कहा है मधुमन वाली मधुमन छानना पड़ेगा, किताब पाठशाला पाठशाला का बात है। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा है? नीचे का बात है का। मधुबन अभी बीके में है या बीके वालों से बाहर है? मधुबन किसे कहा जाता है? जहाँ मधुसूदन पार्ट बजाता है, जहाँ वेद का मधु है, मिठास है, और वेद का वन अर्थात जंगल है, माने वैराग है, वो ही मधुबन है। जो व्यक्तवाणी में भी बोला है जहाँ जहाँ मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो एक मधुबन की बात है यह मधुबन का बड़ा रूप है, है? बड़ा रूप है। उन मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। अगर बेसिक वाले भी मधुबन हैं, क्योंकि पहले कभी न कभी तो ब्रह्मा के तन में बाप आते थे ना, तो बाप मधुसूदन है ना। मधु माने मीठा, सूदन माने मारने वाला। उस मीठे मीठे को मारने वाला कौन है? मधुसूदन कौन है? दादा लेखराज कृष्ण, राम, वो मीठा मीठा जो लगता है काम विकार, उसको मारने वाला, कामदेव को मारने वाला प्रजापिता है, शंकर है, शिव बाबा। कृष्ण का नाम डाल दिया है शास्त्रों में। शिव बाबा ही मधुसूदन है। मधुबन में मुरलिया बाजे, और दूसरी जगह भगवान की मुरली नहीं चलती। तो साबित हुआ कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ऐसी माया परीक्षा लेगी। कंपिल और कलकत्ते में सैंपल दिखाया था एक बार, कंपिल में भी हड़कंप हुआ था 98 में, और कलकत्ते में भी हड़कंप हुआ था जब रविंद्र भाई को पकड़ा गया था।
कोई जूते की कंपनी के केस में, उनका झूठा नाम लगाई दिया था। क्योंकि कलकत्ते में सबसे जास्ती एडवांस की सेवा किसने की थी? रविंद्र भाई ने की थी। तो रविंद्र भाई जिन्होंने बी के टाइटल हटा के अपन को पीबी के टाइटल मान लिया, टाइटलधारी मान लिया, उनको जेल में डलवाई दिया और बेचारों की बहुत जबरदस्त वहां पिटाई हुई। कई दिन तक टीवी में आता रहा, रेडियो में आता रहा, अखबारों में रंगा गया और बहुतों ने आसमान छोड़ दिया। कौन से आश्रम में है? बी के आश्रम में। एडवांस आश्रम को क्या कहा जाता है? गीता पाठशाला कहा जाता है, मधुबन कहा जाता है। तो सैंपल दिखाया, सैंपल तो छोटा होता है बड़ा होता है, मॉडल छोटा होता है, आज ही बताया। तो 2 महीने मधुबन खाली हो गया, साथ छोड़ के चले गए। ऐसे ही कंपिल में 50% भाग गए, जो सरेंडर थे वो भी भाग गए 3 दिन के लिए, भले फिर बाद में आ गए, लेकिन सैंपल तो तैयार हुआ कि मधुबन वाले कैसे मधुबन छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही लास्ट में क्या होगा, बड़ा रूप होगा या छोटा रूप होगा? बड़ा रूप होगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति परिस्थितियां क्रिएट कर देंगे कौरव और यादव संप्रदाय। आज की मुरली में किसको अंधे की औलाद अंधे बताया है? अरे किसी का नाम लिया कि नहीं लिया? कौरव है अंधे की औलाद अंधे, तो अंधा कौन है? अरे दुनिया के हिसाब से अंधा कौन? धृतराष्ट्र कौन? ब्रह्मा बाबा। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में धृतराष्ट्र कौन? जो यज्ञ की धन संपत्ति धर के बैठ गया, यज्ञ की कुर्सी लेकर के बैठ गया, सारे यज्ञ को अपनी मुट्ठी में कर लिया, नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। नहीं तो नाम क्या होना चाहिए? है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी होना चाहिए टाइटल। तो कौन धर के बैठ गया है? सारे यज्ञ के मर्तबे को, धन संपत्ति को, सारे संगठन को अपनी मुट्ठी में धर के कौन बैठ गया है? यज्ञ में कौन धर के बैठ गया? आदि में जो यज्ञ पिता था उसको एक तरफ रख दिया। शास्त्रों में यज्ञ पिता दक्ष प्रजापति को माना गया है,
कहाँ की यादगार है? यही संगम युग की यादगार है। तो अंधे थे या सोच रहे थे हैं? जो भी मुरलियां चल रही थी उन मुरलियों को तीसरे नेत्र से समझने वाले थे, देखने वाले थे या अंधे थे? उनको बाप दिखाई पड़ता था है? बाप दिखाई पड़ता था? नहीं दिखाई पड़ा, यज्ञ के आदि से ही नहीं दिखाई पड़ा। अंत तक शरीर छोड़ते छोड़ते तक भी नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए यही शूटिंग होती है अंधे की भी और अंधे की औलाद अंधों की भी। वो कौरवपति कहा जाता है, और ज्ञान सूर्य पांडवपति कहा जाता है। अभी समझ में आया है? है? क्या समझ में आया? प्रश्न क्या है? है? मधुबन वाले मधुबन सुनना पड़ेगा। हाँ, पाठशाला वाले पाठशाला जो पाठशाला चला रहे हैं, जिन पाठशालाओं में भगवान पढ़ाई पढ़ाता है, वो पाठशालाएं भी छोड़नी पड़ेंगी। माना जो गीता मंदिर यादगार बने हुए हैं भारतवर्ष में, किसकी यादगार है? गीता पाठशालाओं की यादगार है। तो गीता पाठशालाओं में जाने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं या उनको चलाने वाले जो भी निमित्त हैं, ऐसी स्थिति परिस्थिति माया क्रिएट करावेगी इन कौरव और यादव संप्रदाय के द्वारा, जो साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। हद का ज्ञान सरोवर या बेहद का भी है? हैं? ये जो एडवांस ज्ञान है वो बेहद का ज्ञान सरोवर है। तो ज्ञान को छोड़ देंगे या पकड़े रहेंगे? हैं? पकड़े रहेंगे। फिर गीता पाठशाला ये मिनी मदन छोड़ने की क्या दरकार है? कलकत्ते में कहाँ गए थे छोड़ के? अपने अपने घर गए। कंपिल में 50% छोड़ने वाले कहाँ गए थे? हैं? वो तो द्वापर युग की शूटिंग थी। अभी तो है, अभी तो आधा विनाश होगा या संपूर्ण विनाश होगा? हैं? संपूर्ण विनाश होगा। वो बेहद का विनाश कहा जाएगा कि हद का विनाश है? बेहद ब्राह्मण परिवार में विनाश की बात है। हाँ, तो नहीं समझ में आया? हाँ बाबा। हाँ, हम बोलो बोलो धड़ाक से बोलो।
बब्बर शेर के बच्चे कब तक इस बेसिक वाले के दमन से व षड्यंत्र से चुप कर रहना पड़ेगा, सन कौन सी स्त्री तक? जब तक बब्बर शेर के बच्चे नहीं बनेंगे। तो बाबा बब्बर शेर के बच्चे बन जाने से वो लोग सारे खुद भाग जाएंगे? बिल्कुल, सारे अपना कंडीशन तैयार हो जाने के बाद वो लोग खुद भाग जाएंगे। बब्बर शेर की गजगोर से ही दूसरे जानवर भाग जाते हैं। सामने आना तो दूर की बात, और बाबा मायावी को हटाने के लिए शरीर से मायावी को मायावी शक्ति को हटाने के लिए कुविचार को हटाने के लिए किस तरीका से किया जाए? किस तरीका से क्या किया जाए? ज्यादातर बाप का याद किए। हाँ, अपन को आत्मा समझ बाप को याद किया जाए, ये तो पुरानी बात हो गई। है? है? और बाबा जो मोबा बाबा ने सन 1969 में शरीर छोड़ दिया है, 1969 में ये बंद करो, बंद कर दे इसे। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, फिर वही साल आर्मस्ट्रांग वही साल 14 महीने पहले कोई रखा था। हाँ, पहले उन्होंने शरीर छोड़ा या नील आर्म से स्ट्रांग पहले चंद्रमा पर पहुंचा? क्या काम पहले हुआ? पहले शरीर छोड़ा, फिर उनके शरीर छोड़ने के बाद कौन पहुंचा? नील आर्म्स स्ट्रंग, माने जिसकी भुजाएं कैसी हैं, ताकतवर हैं, और नीला है शंकर जी को किस रूप में दिखाया जाता है? है नीलांग, नीले अंग वाला। तो मन बुद्धि से पहुंचा ब्राह्मणों की दुनिया में, चंद्रमा में, या स्थूल एरोप्लेन लेकर के पहुंचा? है मन बुद्धि की बात है। और बाबा है, एक मुरली ने पूछा था प्रजापिता ब्रह्मा का एक बच्चा कम क्यों है? शिव बाबा का बच्चा 800 करोड़ तो प्रजापिता का नहीं कम। जो पूछते हो उसको सही तरीके से पढ़ करके तब पूछो ना। ब्रह्मा शिव बाबा के कितने बच्चे? 500 से 700। और प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे? 700-500। एक कम होगा कि नहीं होगा, तो ये बात पूछने की है? नहीं समझ में आई क्यों? शिव बाबा को जो 500 करोड़ बच्चे हैं, उनमें प्रजापिता शामिल है या नहीं? और शिव बाप जब प्रवेश करता है प्रजापिता में, उस समय सबको पता चलता है, सारी दुनिया को, कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप कहे मेरे कितने बच्चे हैं? उतने ही बच्चे हैं जितने शिव बाबा के हैं, या एक कम है? कौन कम है?
प्रजापिता खुद कम हो गया। और अर्जुन का पाठ किस तरह है? अर्जुन का पाठ किस तरह है? क्या अर्जुन का पाठ किस तरह है? एक अर्जुन की बात नहीं है, एक युद्ध स्थिर की बात नहीं है, एक भीम की बात नहीं है। ये नंबरवार पार्टधारी हैं, नाम के आधार पर काम करने वाले। भगवान के बताए हुए रास्ते के आधार पर जिसने अपने सद्भाग्य का अर्जन किया, पुरुषार्थ का अर्जन किया, उसका नाम अर्जुन पड़ा। तो बताओ 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच कौन सी आत्मा है जिसने अव्वल नंबर में अपने सद्भाग्य का अर्जन कर लिया? भगवान ने जिसका रथ लिया, जिसको डायरेक्ट रास्ता बताया, औरों के लिए डायरेक्ट कहेंगे या इनडायरेक्ट कहेंगे? है? औरों के लिए तो इनडायरेक्ट हुआ। और जिसके रथ में प्रवेश किया उसके लिए तो डायरेक्ट हो गया। तो अर्जुन माना ही अर्जन करने वाला, कमाई करने वाला। कोई कम कमाई करते हैं, कोई ज्यादा करते हैं, कोई को बाप के ऊपर और बाप की दुकान के ऊपर ज्यादा निश्चय होता है, बाप के कारखाने के ऊपर ज्यादा निश्चय होता है, बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा निश्चय होता है, बाप के ऊपर बहुत निश्चय होता है। तो दुकान में, कारखाने में ज्यादा सेवा करेगा या कम सेवा करेगा? है? ज्यादा सेवा करेगा। ज्यादा सेवा करेगा और माया से युद्ध भी सबसे ज्यादा करेगा या कम करेगा? सबसे जास्ती माया का युद्ध भी लड़ेगा, फिर जीत भी सबसे जास्ती पाएगा या कोई के मुकाबले कम जीत पाएगा? सबसे जास्ती जीत पाएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सारी दुनिया के बीच एक ही व्यक्तित्व ऐसा है जिसकी कभी भी दुनिया में हार नहीं हुई। क्या नाम है? नारायण। नारायण को, विष्णु को कभी भी किसी युद्ध में हारते हुए दिखाया गया है? नहीं दिखाया गया। और रामा के सिर पर सेट होने का मतलब क्या है? व्यवस्था क्या है? पांव स्थूल है या बुद्ध रूपी पांव है? तो बुद्ध रूपी पांव अटल रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। ड्रामा जो बना हुआ है वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी ड्रामा है तो उसमें जो कुछ भी हो रहा है, है? मान लो मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ा और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ी,
माया ने सबको जीता तो कल्याणकारी हुआ या कल्याणकारी हुआ है? क्या कहेंगे है? कल्याणकारी हुआ। अरे कह तो दिया कल्याणकारी हुआ और मन अंदर से गुटगुटाता रहा तो कैसे कल्याणकारी हुआ है? क्यों? ऊपर से तो कह दिया कल्याणकारी हुआ, क्योंकि बाबा ने कहा ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा की बात कैसे काटे। लेकिन अंदर से दिल स्वीकार करता है, है? नहीं करता। इसका मतलब ज्ञान की कमी है, पहचान की कमी है। बाप को पहचाना नहीं है, ज्ञान का कोई न कोई पॉइंट मिस हुआ है। नहीं तो ऐसे टाइम पर भी कभी नहीं कहें, कभी दिल ये गंवारा न करे कि ड्रामा कल्याणकारी हुआ। क्यों? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ा। अरे सब झूठा है, है? कोई एडवांस वेडवांस ज्ञान नहीं, सब झूठी बातें। तो ये कल्याणकारी होगा या कल्याणकारी होगा? कह दिया फिर कल्याणकारी होगा। दिल तो मानता है? दिल तो मानता, दिल तो मानता नहीं। पीछे का राज क्या है? है? मतलब पीछे का कुछ तो राज होगा। इसका राज यही है कि बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं है, बाप की पूरी पहचान नहीं है कि वो बाप का पार्ट कौन सा है जो माया जिसको तोड़ नहीं सकेगी। सब ज्ञान को झूठा माने लेकिन बाप अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेगा। और दूसरा, एक तो बाप की पहचान की कमी और दूसरा ये ज्ञान की कमी है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो माला कैसे बनेगी 1 2 3 4 5। माला बन जाएगी है? नहीं बनेगी। ये होना भी जरूरी है। और माला कोई एक प्रकार की नहीं है, फर्स्ट क्लास माला है, सेकंड क्लास माला है, और धर्म वालों की भी मालाएं हैं। जो अव्यक्त वाणी में बोला ऐसे नहीं समझना हम तो 108 की माला में नहीं आवेंगे, वो तो जिनको आना था सो आ गए। क्या बोला अव्यक्त वाणी में? और भी मालाएं बना देंगे। तो वो मालाएं कैसे बनेंगी? बनेंगी या नहीं बनेंगी? तो मधुबन वालों को मधुबन न छोड़ना पड़े, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला न छोड़नी पड़े, फिर माला बन जाएगी नहीं बनेगी? और पार्वती का धारण करने वाले हैं? पार्वती का जो धारण करती है, पास
माता जी बोल रही है कि पार्वती का रूप धारण करके लेखापन के जो जाती है वो कौन है? सीता ही तो गई है पार्वती का रूप धारण करके राम के सामने, हैं? पार्वती का रूप धारण करके लेखा शंकर के पास जाती है। हाँ, किस लिए? अरे किस लिए जाती है? मिलने नहीं देंगे? किस लिए नहीं मिलने देंगे? फिर क्या हुआ? लंबी चौड़ी कथा है। अरे बहुरूपिया रूप धारण करने वाले ढेर होते हैं असुरों में। सूपनखा राम के सामने गई तो राक्षसी रूप में गई या सुंदर रूप धारण करके गई? वो ही सारी कथाएं उलट पैर करके बना दी। और आप कुछ पूछ रहे थे? अभी जो नदी सब है प्रकृति बहुत खराब हो गया, नदियाँ है सब बहती है, पॉल्यूशन हो गया। प्रकृति के पांचों तत्वों में पॉल्यूशन हो गया, बहुत पॉल्यूशन हो गया। सत्य युग में कैसे मतलब मधुर पानी आए, मधुर पानी कैसे हो गया? अग्नि से और जल से कोई चीज शुद्ध की जाती है या नहीं की जाती है? है? और हवा से। तो जब सारी दुनिया में विनाश बरपा होगा, एटम बम फट पड़ेंगे, जैसे दिवाली पर धीरे धीरे पटाखे फोड़ते रहते फिर लास्ट में सारे ही एक साथ फोड़ देते। तो दुनिया में जो भी एटमिक एनर्जी बनाई हुई है वो लास्ट में सारी की सारी विस्फोट होगी। तो पृथ्वी का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा। और पृथ्वी का जब बैलेंस बिगड़ जाएगा तो अंदर जो आग भरी हुई है पृथ्वी के अंदर, पिघलता हुआ लोहा जैसा दौड़ रहा है अंदर, वो ज्वालामुखियों के रूप में फट पड़ेगा। सारी दुनिया में आग ही आग हो जाएगी, बड़े बड़े भूकंप आवेंगे। जो आज के वैज्ञानिक बिल्डिंगें बना रहे हैं, कहते हैं कि भूकंप रोधी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उन बिल्डिंगों का भी क्या हाल होगा? ताश के पत्तों की तरह उड़ने लगेंगी। ये माउंट आबू जैसा पहाड़ जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है, सारी दुनिया भर के बीच में एक ही ऐसा पहाड़ है जो पृथ्वी की गहराइयों तक जमा हुआ है।
जिसके लिए समझा जाता है कि वहां भूकंप नहीं आएगा, वो पहाड़ भी गहराई में समा जाएगा। तो पांच तत्वों को अग्नि शुद्ध नहीं करेगी, कचरा भस्म होगा या नहीं है? होगा। और अग्नि का इतना विकराल रूप ओजोन अभी तो कम फट रहा है, और उस समय सारा ओजोन फट पड़ेगा तो सूर्य की गर्मी भयंकर रूप से फट पड़ेगी। उसका रिजल्ट क्या होगा कि समंदर का सारा जल वाइल्ड होने लगेगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मीलों ऊंचे जो पहाड़ हैं वो सब फट करके समुद्र में आ गिरेंगे। समुद्र का स्तर ऊंचा भी हो जाएगा। है आठ की लिस्ट में होंगे तो देखना ही पड़ेगा। एक सौ आठ की लिस्ट में होंगे तो भी देखेंगे। शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि जब जल प्लावन हुआ सारी पृथ्वी पर तो एक सौ आठ बीजों को सुरक्षित करके रखा गया नाव में। वो चैतन्य बीज होंगे या जड़ बीज होंगे? चैतन्य बीजों की बात है। और शास्त्र ये कथा की ना, माता सूर्या ने ब्रह्मा शंकर को बच्चा बना दिया है। लक्ष्मी जब आएगी एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में, उस समय नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ चुका होगा या लक्ष्मी आकर फाउंडेशन डालेगी? अव्यक्तवाणी में आज से आठ वर्ष पहले क्या बोला था है? तुम बच्चे नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, बाप दादा ने नई दुनिया का फाउंडेशन डाल दिया है, तो फाउंडेशन डालने की पहली निमित्त कौन हुई आत्मा? कौन निमित्त आत्मा बनी है? अरे तुम बड़ी हो तो अट्ठानवे में ही गायब हो गए। काशी नगरी जो एक दफ फाउंडेशन के आदि में है उसमें प्योरिटी होगी ज्यादा, या फाउंडेशन पढ़ने के बाद जो है उसमें प्योरिटी ज्यादा होगी? उसमें प्योरिटी ज्यादा होगी। इसलिए
शास्त्रों में कहा गया है शंकर की प्यारी नगरी काशी नगरी है, दिल्ली नहीं है। बल वो जगत पिता है, माता पार्वती जगत माता कही जाती है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, फिर भी प्यारी नगरी कौन सी है? काशी नगरी। और त्रिदेवों की जो तीनों देवियां हैं, उन तीनों देवियों के मुकाबले जास्ती पवित्र है। कोई भी हमारे साथ कोई भक्ति वाले का सत्ता है तो सभी सुना पड़ेगा बाबा ऐसा बोल रहे। हाँ, तो हम कोई लौकिक कोई आते हैं हमारे घर में तो कुछ बुजुर्गो को हम उनके साथ नमस्कार करते हैं ना, तो ये भक्ति वाले का सत्ता है कि नहीं है? उनको खुश करने के लिए करते हैं, आप अंदर से थोड़े ही करते हैं। लौकिक परिवार के जो अज्ञानी भांति हैं, अज्ञानी संबंधी हैं, उनको खुश करने के लिए उनके पांव छू दिए ताकि वो हमारा ज्ञान सुन ले। तो अंदर से आप ऐसा काम कर रहे हैं या बाहर दिखावे का कर रहे हैं? बस ये युक्ति है, बताइए है? है माता जी को देर हो गई। सभी को जल्दी हो रही है। अब यहाँ भीड़ लगने लगी। एक प्रश्न है जो शास्त्र में दिखाया बताया ना, वो गांव का जो है गांव गांव में 100 फरिश्ता है, 100 फरिश्ता है उसको गाँव में परिस्थिति बच्चे की ना, जो शास्त्र में दिखाए शास्त्र में दिखाया आप बताए तो गाँव में बचे 100 फरिश्ता है, 108 जो बचे तो बाकी सब वो कहाँ जाएंगे? फिर बाकी सब कहाँ जाएंगे? हाँ, वो पानी में नाव में तरेंगे 108। वो भाई एक दुनिया, वो दुनिया में तो 108 होंगे राज परिवार के भांति, और 100 हो गए प्रजा। केवल 108 ही समय आज में 100 क्या हो गई? 100 हो गई प्रजा, और 8 क्या हो गए? राज परिवार के बाकी। तो 4.5 लाख आत्मा का बिल कायम कैसे? एकदम 4.5 लाख होकर आते हैं क्या? वो तपस्या तो करेंगे ना ये? अरे जो उतरेंगे वो परम धाम से 4.5 लाख एकदम कूद पड़ेंगे क्या? 108 ही धीरे धीरे उतरेंगे पहले। हाँ जी, 8 ही पहले उतरेंगे। अब क्या करोगे? सुनते हैं हमारी बोला बिना, तो जो बच्चे 4.5 लाख ही देखेंगे बताया ना।
उसमें तो फिर बिना कोई आगे थे तो सब ही दिखाई देंगे। 4.5 लाख एक साथ ऊपर चले जाएंगे या नंबर वार जाएंगे? नंबर वार जाएंगे। जो कमजोर होंगे वो पहले जाएंगे या जो पावरफुल होंगे वो पहले जाएंगे? जो पावरफुल है वो पहले जाएंगे। कमजोर मैंने 500 करोड़ भी आत्मा नीचे रहेगी वो तो रहेगी और पहला नंबर पहले जाएगा। उनका तो पहले वाला नंबर का तो पता ही नहीं चलेगा बोला ना। शक्ति रूपी रंगमंच पर साकार शरीर से जो रहने वाले हैं वो बाद में जाएंगे या पहले जाएंगे? बाद में जाएंगे। तब तक मुख्यम वतन में रुकना है। सूक्ष्म वतन माया। सूक्ष्म वतन माने सूक्ष्म स्टेज। इतना विनाश होगा, इतनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी वाली बिल्डिंगें दुनिया में बनी हुई है सारी गिरेंगी तो अकाले मौत वाले कितने होंगे? उनकी संख्या कितनी होगी? 500 करोड़। अरे सारे होंगे। सारे होंगे सारे माने 8 कम 500 करोड़ है? अच्छा आप तो अंत में वो 100 की लिस्ट में आने वाले राजयोगी हैं, राजा बनने वाली आत्माएं हैं, फर्स्ट क्लास माला है। वो फर्स्ट क्लास माला में आने वालों की ये गति होगी कि बिल्डिंग गिरेगी, टांगे दब जाएंगी, फायदे या तौबा करते रहेंगे। वो टांगे तोड़ना तो जाने तांबा को भी नहीं होना चाहिए ना बाबा। अभी क्या बोल रहे थे? अभी आप क्या बोल रहे? जाने वाला हाँ तो वो टांगे दबी रहेंगी, हाय हाय करके मरेंगे, वो सूक्ष्म शरीरधारी बनेंगे या बड़े आराम से रहेंगे वो सूक्ष्म शरीरधारी बनेंगे? जो आराम से रहेंगे वो सूक्ष्म शरीरधारी बनेंगे। हाय हाय करके मरेंगे उनको सूक्ष्म शरीर लेना पड़ेगा। इसका मतलब 4.5 लाख जो है वो हाय हाय की लिस्ट वाले नहीं है और बाकी सब हाय हाय के मरने वाले। ब्रह्मा बाबा तक को सूक्ष्म शरीर लेना पड़ा। जो 4.5 लाख से बाहर है, बाहर है कि अंदर है? बाहर है। बाहर है। तो सतयुग के पहले पत्ते का भी ये हाल है तो बाकी जो पत्ते होंगे वो सूक्ष्म शरीर नहीं धारण करेंगे।